कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं नाज इंटरनेशनल गर्ल्स जॉब प्रोवाइडेड कंपनी से। जैसे कि मैं हर बार आप लोग के लिए लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आता हूँ, वैसे ही इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ। ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, फर्स्ट जो वैकेंसी आई है वो है पराठा मास्टर की वैकेंसी है, जिसमें सैलरी आपकी होगी 1500 से 1800 के बीच में। सेकेंड वैकेंसी है केरला वेटर्स का काम है, जिसकी सैलरी होगी 1400 से 1800 के बीच में। फोर्थ वैकेंसी जो है वो अपनी सलाद मेकर का काम है, 10 घंटे का काम है। उसमें सैलरी आपकी 1400 से 1800 के बीच में होगी। रूम कंपनी देगी, खाना कंपनी देगी, वीज़ा और जो भी आपका होगा प्रोसेस वो कंपनी करेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके फोर्थ वैकेंसी पे आते हैं। फोर्थ वैकेंसी है जो क्लीनर का काम है, 10 घंटे का काम है। उसमें सैलरी आपकी होगी 1000 रुपये। नेपाल के क्लीनर होंगे मुश्किल नहीं है, इंडियन होंगे तब भी कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ जो वैकेंसी है वो है अपनी वाटर सप्लायर का काम है, जिसमें आपको पानी की बड़ी बड़ी बोतलें होती है 25 लीटर की, वो सप्लाई करनी है, जिसमें आपको 1000 रुपये सैलरी मिलेगी। प्लस में आपको ओवर टाइम मिलेगा, 10 घंटे का काम होगा, जिसमें आपका 10 घंटे का काम है। और ओवर टाइम जो है उसका मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ओवर टाइम जो होगा वो आपका होगा 50 जो बोतलें होंगी वो आपका टारगेट होगा। उसके बाद जो आप जितनी बोतलें सप्लाई करोगे उस पर आपको 1 रुपये ओवर टाइम मिलेगा। 1 रुपये के हिसाब से मतलब आप अगर 10 बोतलें भी सप्लाई करते हो तब भी आपको 10 रुपये मिलेंगे, और 20 करते हो तो 20, 30 करोगे 30। इसके हिसाब से 1000 रुपये आपकी सैलरी है, 7 रुपये आपको खाने के मिलेंगे, उसके बाद आपको जो भी ओवर टाइम होगा वो मिलेगा। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है बंद और ब्रेड मेकर। उसकी जो सैलरी है वो है अपनी 1800 से 2200 दिरहम तक सैलरी है। रूम खाना आपका फ्री रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद वीज़ा भी आपका फ्री होगा, और जो भी आपका मतलब मेडिकल वेडिकल होगा सब कुछ कंपनी देखेगी, ठीक है। उसके बाद एक और है, वेल्डर का काम है, जिसमें आपकी सैलरी होगी 1800 से 2200 दिरहम तक, 10 घंटे का काम होगा, वीज़ा खाना रहना सब कुछ फ्री है। ओवर टाइम उसमें पर घंटे के आपकी सैलरी से इंक्लूड मिलेगा, जैसे कि आपकी सैलरी जो भी होगी उसके हिसाब से आपको पर घंटे ओवर टाइम मिलेगा। और कोई वैकेंसी आप अगर सर्च कर रहे हो दुबई के लिए, यूएई के लिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रेजेंट में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। उसके बाद आप लोग को एक बात क्लियर कर दूँ, जो वीज़ा होता है वो अपना सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फ्री होता है। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि लड़के देखते हैं उस पर सामने थंबनेल लगा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि वीज़ा फ्री, ठीक है वीज़ा फ्री होता है, बट वीज़ा कौन सा फ्री होता है ये मैं क्लियर कर दूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ, अगर आप इनसाइड हैं और आपका एम्प्लॉयमेंट लगना है, विजिट पे हैं आप, तो आपको वीज़ा फ्री मिलेगा। अगर आप यूएई के अंदर नहीं है, इंडिया में, फिर आप बोलते हैं कि मुझे विजिट वीज़ा फ्री चाहिए, तो वो कंपनियाँ नहीं देती हैं, 1-2% है वो देती हैं, बाकी कोई कंपनी नहीं देती है। आज के लिए ये मैंने जो वैकेंसी डाली है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप जैसे कि कई बार क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम जॉर्डन की वीडियो डाली थी, तो उस पर बंदे अभी भी तक बोलते हैं कि मुझे जॉर्डन का जॉब चाहिए। जॉर्डन भाई, जब तक वीडियो आती है उसके 1-2 दिन हफ्ते खांड के बाद वैकेंसी फुल हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फटाफट संपर्क कीजिए, नहीं तो ये वैकेंसी भी फुल हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो है सैलरी बहुत अच्छी है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकता है, इनसाइड हो आउटसाइड हो नो प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। ओके बाय, टेक केयर।